साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे अलग ही बात करेंगे। ये हाई प्रोफेशनल जॉब से रिलेटेड मैं बात करता हूं, या फिर मान लीजिए हाई स्किल्ड जो पढ़े लिखे बंदे हैं, अकाउंटेंट हैं, इंडिया में अकाउंटेंट का काम करते हैं, उनका सपना होता है कि वो बाहर जाएं, कौन सी कंट्री में जाएं। तो भाई कम से कम मैं बता दूं कि मेरे साथ वाले मेरे जो लोकल बंदे थे, अभी एक बंदा सऊदी पहुंचा है, एक बंदा शायद दोनों सऊदी हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक यहाँ पे ई मित्र का काम करता था, कंप्यूटर का, वो सेट हो गया, अच्छा पैसा है, ठीक है। दूसरा बंदा इंग्लिश का था, वो भी पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, यानी अकाउंटेंट से समझ लीजिए। हाँ, हालांकि उनके पास डिप्लोमा नहीं था, वो एक अलग इशू है। अगर मान लीजिए आप अकाउंटेंट जॉब में जाना चाहते हैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड, आप बोलोगे यार सऊदी क्यों, फेमस तो दुबई है। तो भाई उस पर भी आएंगे धीरे धीरे, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। आज अपना सऊदी से रिलेटेड सीरीज चल रहा है, तो साथियों रिक्वेस्ट करूंगा पहले इसी तरह के रोज वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो अकाउंटेंट जॉब अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, यहाँ पे आप सैलरी से संतुष्ट नहीं है, या फिर सोचते हैं यार विदेश में जाके ये अच्छा सैलरी, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्कोप बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, एक बार बंदा सेट हो जाता है तो ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। काम की बात कर लें तो काम तो आपको पता है कि अकाउंटेंट में काम क्या होता है। जो अकाउंटेंट जो डिप्लोमाधारी हैं, जो यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, वही उनको वहाँ काम करना है। ऑफिशियल काम होता है अकाउंटेंट से रिलेटेड, जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटेंट को ही देखने होते हैं, ये उनका काम होता है। सैलरी इंपॉर्टेंट, ये सैलरी है, यहाँ इस सैलरी के चक्कर में हम इंडिया से अपना घर परिवार छोड़ के विदेशों में जाते हैं। सैलरी की स्किल बात बता दूँ साथियों, तो देखिए हर चीज़ का मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एक्सपीरियंस द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंडिया में घर बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो सैलरी उसके हिसाब से मिलेगी। थोड़ा इंडिया में एक्सपीरियंस है तो इस इंडियन एक्सपीरियंस का विदेश में वैल्यू नहीं है, ये बात हमेशा नोट रखें। वैल्यू इतना ही है कि उनको ये पता है कि ये बंदे को ये काम आता है, बाकी वो सैलरी तो वहाँ के हिसाब से आप काम करोगे तब वहाँ अच्छी लगेगी। सैलरी की हम यहाँ बात कर लें साथियों कि लॉ एक तो एकदम नीचे की सैलरी, ठीक है, उसके बाद में बीच में एवरेज सैलरी, बाद में हाई सैलरी, ये एक्सपीरियंस के आधार पे। अब ला की बात करें तो कम से कम लो सैलरी यानी स्टार्टिंग सैलरी 3,500 सऊदी रियाल से स्टार्ट होती है, उसके बाद में 5,500 के रियाल के समथिंग मान लीजिए, उसके बाद में हाई सैलरी आती है 7,000-8,000 स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस मान लीजिए आपके पास 5 साल का नॉलेज है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती, तो 5,000 सऊदी रियाल आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। आप दूसरी कंपनी में मान लीजिए यहां पे आप काम कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद में आपका थोड़ा अनुभव हो जाता है, तो 5 साल तक का अगर आपको अनुभव हो जाता है तो 5,000 सऊदी रियाल तक यानी इंडिया का लाख रुपए तक आराम से सैलरी मिल जाती है। 5 से 10 साल का अगर सऊदी का एक्सपीरियंस है आपको वहां काम करते हुए, तो 6,000-6,500 सऊदी रियाल आपको आराम से मिल जाती है, यानी ये मान लीजिए कि 1.25 लाख के करीब, ठीक है। उसके बाद 10 साल से 15 साल का अनुभव आपको हो जाता है वहां सऊदी में काम करते हुए, तो इसमें साथियों सैलरी बन जाती है 8,000-9,000 सऊदी रियाल, 10,000 रियाल तक भी पहुंच जाती है, यानी डबल कर लीजिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अकाउंटेंट से रिलेटेड ये सैलरी आपको मिल सकती है। ये आपको मिलेगी तभी मैं आपको क्लियर कर दूं, तब आपको अनुभव होगा विदेश का। इंडियन एक्सपीरियंस से सैलरी आपको 3,500 यहां से शुरुआत होगी, 3,500 आपको सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ बढ़ गई आराम से 10-15 साल अगर आपको हो जाएंगे तो सैलरी 10,000 रियाल तक आप पहुंच सकते हो। अकाउंटेंट में आपको पता है कि एजुकेशन का कोई इश्यू नहीं होता, एज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये हाई स्किल्ड जॉब होते हैं ना, उसमें एज वैल्यू नहीं होती, 60 साल का भी आपका वीज़ा लग जाता है, वर्क परमिट वीज़ा, क्योंकि ये हाई स्किल्ड जॉब है, लेबर कैटेगरी में नहीं मिलता, 45 के बाद में भी कंपनियां लेना मना कर देती है, लेकिन अकाउंटेंट वगैरह ये हाई स्किल्ड जॉब होते हैं तो आराम से जॉब मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो साथियों कम से कम 70,000 से लेकर 2 लाख लास्ट तक आप सैलरी, इससे भी ज़्यादा लोग कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एवरेज कंपनियों की सैलरी बताई है। लोग तो भाई बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लोग तो 10-10 लाख महीना भी कमाते हैं यूरोप कंट्रियों में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एवरेज आपको सऊदी अगर आप जाना चाहते हैं इसी जॉब में तो ये सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। वीज़ा की बात करें तो वीज़ा इसमें 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा होता है, जो हाई स्किल जॉब में कंपनियां कई बार फ्री में देती हैं, कोई पैसा इनका लगता नहीं है, हालांकि एजेंट भी इसमें होते हैं, वो अपना कमीशन ले लेते हैं, वो एक अलग इशू है। कंपनियां वीज़ा आने जाना टिकट वगैरह सब कुछ कंपनियां खर्चा करती हैं इसमें, ठीक है। बेनिफिट बात करें तो हाई स्किल्ड जॉब में पूरा बेनिफिट आपको हाई प्रोफाइल जॉब में मिलता है,
जिसमें आपको रहना खाना अकोमोडेशन अलग से आपको फ्लैट कंपनी की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, आपको गाड़ी भी अवेलेबल होती है, लेक ड्राइवर अलग से होता है गाड़ियों का, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। ड्यूटी की तो आपको पता है ड्यूटी और टाइम जो इंडिया में वही वही 8-9 घंटे ड्यूटी होती है, बाकी ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसका अलग से ओवर टाइम में वो शामिल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सऊदी से रिलेटेड ये अगर आप जाना चाहते हैं तो ये परफॉर्मा आपके पास रहेगा। अब ये जॉब कैसे मिलता है इंडिया में, मेरे भाई बहुत सारे बंदे हैं जो कोर्स किए हुए हैं जिनको विदेश जाना है भाई, इसमें देखिए पहली बात तो ये कि ये वैकेंसी आती रहती हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता बड़ी जो ऑफिस है वहाँ पर ये जॉब आते हैं, आप CV देख के उनको रख सकते हैं जैसे ही उनके पास काम आए। हाँ, लेकिन CV उनको दें जो मैन पावर ऑफिस हैं, वो चिंदी एजेंट होते हैं ना उनको मत देना भाई, वो तो नकली ऑफर लेटर दे के पैसा खोस ले लेंगे आपसे, ठीक है, उनको CV दे के रखें या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कंपनियों में। तो ऐसे ये थोड़ा अकाउंटेड अलग हाई प्रोफाइल जॉब में आ जाता है तो ये जॉब आराम से आसानी से मिल जाता है, हालांकि जो भी आते कम है ये बात ध्यान में रखना। हाँ, मैन पावर जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे अगर आप CV दे के उनके बराबर टच में रहेंगे तो इंटरव्यू वगैरह इनका होता रहता है, क्लाइंट आते रहते हैं तो उनसे आप इंटरव्यू दे के फेस टू फेस अगर पास हो जाते हो, इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आराम से आपका जॉब इसमें लग जाता है। मेरे हिसाब से साथियों पूरी मैंने जानकारी दे दी है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके के टॉपिक पर जानकारी मिलते रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।